श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण से आपको बचना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण का एक साइड इफेक्ट नपुंसकता भी है। आप नपुंसक हो सकते हैं। आज आप दिल्ली के प्रदूषण को देख ही रहे हैं। तो ये जो प्रदूषण है ये न केवल लोगों को विभिन्न बीमारियों से प्रभावित कर रहा है बल्कि पुरुषों में नपुंसकता का भी जोखिम बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक राजधानी अभी दिल्ली का जो प्रदूषण है वो तो खैर बहुत खतरनाक है, बाकी जगह का भी जो प्रदूषण है और खराब जीवन शैली, ये दोनों मिलकर आपको नपुंसकता की ओर बढ़ा लेके जाता है। अभी कैपिटल सेक्स लाइफ सिर्फ 30% तक सीमित होकर रह गया है। विशेषज्ञों ने इस आशय के लिए अध्ययन के हवाले से कहा है कि खास करके दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, राजधानी दिल्ली में पुरुषों की 15% आबादी 15% आबादी किसी न किसी इनफर्टिलिटी की समस्या से पीड़ित है, फर्टाइल नहीं रह गए। विशेषज्ञों के मुताबिक राजधानी के ज़्यादातर IVF क्लिनिक मेल फर्टिलिटी की समस्याओं के प्रति उदासीन है। अभी की जो रिसर्च चल रही है वहाँ पे, तो भारत में अधिकांश रिप्रोडक्टिव क्लिनिकों में एक भी पुरुष इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट नहीं होते हैं, सिर्फ महिलाओं के इलाज पर उनका फोकस होता है। भारत में पुरुषों की समस्या की पहचान नहीं हो पाती है और इस कारण उनका इलाज नहीं हो पाता है। और दूसरा, मर्द तो बोलते हैं यार हम तो मर्द हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, औरतों में प्रॉब्लम होगा, तो एक ईगो वाली प्रॉब्लम भी है। लगभग 50% पुरुषों में इनफर्टिलिटी समस्याओं का इलाज संभव है, लेकिन जब तक उन्हें पता चलता है तब तक काफी देर हो जाती है। अभी धूम्रपान, मोटापा, निष्क्रियता, स्ट्रॉइड का इस्तेमाल, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार तत्वों के संपर्क में रहने से मेल फर्टिलिटी क्षमता जो है प्रभावित होती है। खराब जीवन शैली भी इसके लिए दूसरा प्रमुख कारण है। और केवल इतना ही नहीं, पुरुषों में होने वाली ऐसी समस्या महिलाओं के गर्भपात के लिए भी जिम्मेदार होती है। पुरुषों का जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो कम होता चला जा रहा है। अगर आप चिकित्सक की माने तो उनके मुताबिक प्रदूषण और खराब जीवन शैली के कारण पुरुषों में सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो रहा है, वहीं शुक्राणुओं की कमी और उसकी गति प्रभावित होने के कारण समस्याएं पैदा हो रही है। चिकित्सक की अगर माने तो इन परेशानियों के कारण शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाते, इसलिए महिला साथी के अनगिनत प्रयासों के बावजूद गर्भधारण करने में वो असमर्थ हो रही है। यह समस्या सीधे तौर पर पुरुषों के सेक्सुअल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ होता है। अभी हवा के जरिए कुछ ऐसे धातुकण शरीर में प्रवेश कर जाता है जो सीधे हार्मोन को प्रभावित करता है, इससे टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन स्तर में कमी आने से सेक्सुअल डिजायर भी प्रभावित होता है, इंटरेस्ट रह ही नहीं जाता है। तो ऐसी समस्या के लिए आप मल्टीविटामिन का सेवन बेहतर साबित हो सकता है, मल्टीविटामिन खा सकते हैं आप। अभी पिछले दिन आपने दिल्ली में ऐसा प्रदूषण देखा कि जो आपने आज तक नहीं देखा होगा, जो सामान्य से कई गुना अधिक दर्ज किया गया। तो इससे जो हमारे मंत्री थे, जो पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन, ने आपातकाल बैठक बुलाना पड़ा उनको, और सबसे अधिक प्रदूषित इलाके आनंद विहार और पंजाब बाग था। तो जो प्रदूषण है इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। अभी पर्यावरण मंत्री ने तो वाहनों के PUC सर्टिफिकेट की चेकिंग, ओवरलोडिंग वाहनों, कूड़ा जलाने वाले और शॉर्टकट रास्ता के चक्कर में दिल्ली आने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो इस प्रदूषण से जहाँ तक हो सके आप बचिए, अगर नहीं बचेंगे तो आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है, फैमिली लाइफ पे है, वो भी आपकी अफेक्ट करेगी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।